योगेश और आशा मुंबई के एक आईआईटी कंपनी में काम करते थे। योगेश महाराष्ट्र का रहने वाला था और आशा मध्य प्रदेश से थी। दोनों की गहरी दोस्ती प्यार में बदल गई और योगेश और आशा ने कुछ ही दिनों में शादी भी कर ली थी। योगेश और आशा ने मिलकर कुछ ही दिनों में एक फ्लैट खरीद लिया। उन्होंने जो फ्लैट खरीदा था वह बिल्डिंग 5 फ्लोर की ही थी। ज़्यादा कोई नहीं रहता था, बस गिन चुनकर 3 फ्लैट में ही लोग रहते थे। योगेश, ग्राउंड फ्लोर पे हमें रूम मिल जाता तो कितना अच्छा होता ना। ये 4th फ्लोर पर आना जाना काफी समय वेस्ट हो जाता है। हाँ, मैंने कहा था ग्राउंड फ्लोर के लिए, पर सारे फ्लैट ऑलरेडी बुक्ड हैं। अरे, हमें ये फ्लैट अच्छे डिस्काउंट पर मिला है और यहाँ विंडो के बाहर का व्यूज भी काफी अच्छा है। पर इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है क्या? सारा फ्लैट खाली पड़ा है। हाँ, मैंने पता किया है, यह नई बिल्डिंग है ना, अब धीरे धीरे लोग आएंगे। वैसे भी हमारे नीचे वाले फ्लोर पर एक पाटिल काका रहते हैं, आज ही उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। हाँ, मैंने सामने वाले फ्लैट में एक औरत को देखा, पर अजीब सी दिख रही थी वो। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे काफी लोग आ जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो है। आशा, मैं नीचे मार्केट से कुछ सब्जियां और फ्रूट लेकर आता हूँ। ठीक है। कायरे बाळा, झाली का शिफ्टिंग सगळा व्यवस्थित? होय काका, सब ठीक ठाक से हो गया, पण काका पानी नहीं आ रहा है हमारे फ्लैट में। घबरू नको, पानी सुबह 6 से 10 और शाम को 7 से 12 बजे तक आता है। ओके काका, थैंक यू, चला ये तो मगमी। चल ठीक आहे। आशा, कल ऑफिस से तुम अकेले ही घर आ जाना, मैं अब से लेट ही आऊंगा। क्यों, क्या हुआ? बॉस ने ज्यादा काम दिया है क्या? अरे नहीं नहीं, बॉस से मेरी बात हो गई है, कल से 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा। कुछ पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो हमारे जो घर का लोन है वह जल्दी ही कवर हो जाएगा। क्या आप भी? फिर मैं भी ओवर टाइम कर लेती हूँ ना। नहीं नहीं, अरे तुम ओवर टाइम करोगी तो मुझे रात को लेट खाना मिलेगा और घर में काम भी तो करना पड़ता है ना तुम्हें। ठीक है। आशा, 15 दिन बाद गणपति उत्सव आने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि हमारा नया घर है तो। तो क्या, बोलो क्या बात है? क्यों ना हम हमारे नए घर में गणपति बाप्पा का आगमन करें। अरे वाह, तो इस बात को कहने के लिए तुम इतना झिझक क्यों रहे हो? हम गणेश जी को बहुत ही धूमधाम से लाएंगे। वाह, हमारे नए घर में गणपति बाप्पा आएंगे तो रौनक बढ़ जाएगी। चलो, रात काफी हो रही है, हम लोगों को कल ऑफिस भी जाना है। दूसरे दिन सुबह योगेश और आशा ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद आशा 6 बजे ऑफिस से घर आ जाती है। लगभग रात के 10:30 बजे योगेश भी ऑफिस से घर आ जाता है। वह देखता है कि उसके फ्लैट के सामने वाले फ्लैट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ होता है और उस दरवाजे के पीछे से वह औरत एक मुस्कुराहट के साथ उसे घूर रही होती है। योगेश तुरंत ही अपने रूम में चले जाता है। आशा, वह सामने के फ्लैट में जो औरत है ना, बहुत ही अजीब तरीके से मुझे घूर रही थी, काफी डरावनी लग रही थी वह। डरो मत योगेश, वह वैसे ही है, तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे बहुत काम है। तुम तो जल्दी घर आई थी ना, फिर भी काम पूरा नहीं हुआ क्या? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। योगेश खाना खाकर सो जाता है। लगभग रात के 2 बजे योगेश की आंख खुल जाती है और वह देखता है कि आशा उसके बगल में नहीं होती है। वह कमरे के चारों ओर देखने के बाद अपने फ्लैट का मेन डोर ओपन करता है तो वह चौंक जाता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी आशा सामने रहने वाली उस औरत के साथ कुछ बात करते हुए नजर आती है। आशा, आशा, इतनी रात में क्या कर रही हो? चलो अंदर आ जाओ। आशा तुरंत ही गुस्से में अपने कमरे में आ जाती है और योगेश भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। आशा, वह औरत मुझे ठीक नहीं लगती, तुम इतनी देर रात को उससे क्या बात कर रही थी? कुछ पर्सनल बातें हर किसी को बताई नहीं जाती, समझे? आशा,
तुम्हें हो क्या गया है? आई एम योर हस्बैंड यार, तुम मुझे नहीं बता सकती, ये क्या बात है यार? हो योगेश, अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा बहस मत करो, मेरा सर दुख रहा है, मैं सो रही हूँ। अशी काय करतेस, क्यों गुस्से से बात कर रही हो? कुछ ही दिनों में पापा को भी तो लाना है ना। कोई नहीं आएगा हमारे अलावा इस घर में। ये क्या बोल रही हो, कल ही तो हमने तय किया था ना कि गणपति बापा की स्थापना करनी है, तुम भी तो काफी खुश थी, और आज अचानक ऐसा क्यों? चुपचाप सो जाओ योगेश, ज्यादा बहस मत करो। ओके ठीक है, गुड नाइट। आशा ये क्या, आज कुछ ब्रेकफास्ट नहीं, लंच बॉक्स भी रेडी नहीं किया है तुमने, तुम ऑफिस के लिए तैयार भी नहीं हुई हो? तुम चले जाओ ऑफिस, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आज नहीं आऊंगी। तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम्हें लेट हो जाएगा ऑफिस जाने में, तुम चले जाओ, मैं डॉक्टर दिखाकर आ जाऊंगी। ठीक है, पर याद से मेडिसिन ले लेना, बाय। योगेश अपने ऑफिस चले जाता है। दिन भर काम करने के बाद लगभग रात के 10 बजे घर लौटते समय उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे पड़ती है, जहां गणेश जी का फोटो रखा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, इस पेड़ के नीचे गणपति बापा का फोटो ऐसे कौन रखा होगा? मैं इसे घर लेकर जाता हूँ, वैसे भी घर में अभी तक भगवान की एक भी फोटो नहीं है। योगेश उस फोटो को अपने बैग में रखकर अपने घर आ जाता है। योगेश कमरे के अंदर आते ही देखता है कि आशा अपने बेड पर सोई हुई होती है। आशा 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 तुरंत ही अपने बेड पर बैठ जाती है। उसकी लाल आंखें देखकर योगेश डर जाता है। तुझे समझ में नहीं आता क्या, कोई सोया हुआ है तो उसे जगाना नहीं चाहिए, मुझे सोने दो, परेशान मत करो। आशा तुरंत आंखें बंद करके सो जाती है। आशा की ऐसी हालत को देखकर योगेश को कुछ समझ में नहीं आता है। योगेश तुरंत ही अपने बिल्डिंग के नीचे आ जाता है और वॉचमैन से बात करने लगता है। सुनो बहादुर, क्या मेरी वाइफ आज पूरे दिन भर में यहाँ बिल्डिंग के नीचे आई थी क्या? नहीं साहब जी, मैडम को तो आज मैंने नहीं देखा, आज मैं गेट पर ही बैठा था पूरा दिन। योगेश और बहादुर को बातें करता देख पाटिल काका भी वहां पर आ जाते हैं। योगेश बाळा, मला तुला काहीतरी इम्पॉर्टेंट सांगायचं आहे। बोलो ना काका, क्या बात है? आज दोपहर से ही मुझे कुछ मंत्र और हवन की आवाज आ रही थी, तो मैं तुम्हारे फ्लोर पर देखने को गया। मुझे लगा शायद तुमने कोई पूजा रखी होगी, पण जैसे ही मैं फ्लोर पर पहुंचा, तुम्हारे सामने वाले घर का दरवाजा खुला था और वह औरत कुछ मंत्र तंत्र पढ़ रही थी। और मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा तुम्हारी पत्नी भी उसके सामने बैठी हुई थी। मी खाबर लो रे, मैं तुरंत ही वहां से दौड़ते हुए अपने घर को आ गया। पर योगेश साहब, आपके फ्लोर पे तो आपके अलावा कोई नहीं रहता। ये क्या कह रहे हो बहादुर, मैंने खुद एक औरत को मेरे सामने वाले फ्लैट में देखा है, और पाटिल काका भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी तो देखा है। साहब जी, आप अभी अपने फ्लैट में चले जाइए, कल सुबह ही बिल्डिंग के सेक्रेटरी के साथ मैं आता हूँ। बाळा तो अगदी बरोबर बोलतो है, तू आता घरी जा, पण माझा फोन नंबर घे, कुछ हुआ तो मुझे कॉल कर लेना। योगेश पाटिल काका का नंबर लेकर घर आ जाता है, और घर आते ही उसे गणेश जी के फोटो के बारे में याद आता है, तो वह योगेश गणेश जी के फोटो को हॉल की दीवार में लगा देता है और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रात के 1 बजे योगेश को आशा की आवाज आती है। योगेश योगेश उठ जाओ, आज तुमने जो हॉल में फोटो लगाया है उसे निकाल दो तुरंत, मुझे सामने वाली शीला आंटी बुला रही है। ये क्या पागलपन है आशा, अरे वह गणपति बापा की फोटो है, तुम उसे उतारने क्यों कह रही हो, और उस औरत से तुम्हारा इतनी रात में क्या काम है? नहीं निकालोगे ना फोटो, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। फोटो निकाल, समझ में नहीं आता क्या तुझे?
योगेश को काफी ज्यादा चोट आ जाती है। वह दौड़कर हॉल में गणेश जी के तस्वीर के पास जाकर खड़े हो जाता है और कमरे से लगातार आशा की आवाज आते रहती है। कमरे के अंदर आ जा या फिर वह फोटो उतार दे, नहीं तो आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। योगेश डर के मारे तुरंत ही पाटिल काका को फोन लगाता है और अपने घर आने को कहता है। थोड़ी ही देर में पाटिल काका और वॉचमैन बहादुर योगेश के पास पहुंच जाते हैं। योगेश उन दोनों को सारी बातें बताता है। बहादुर और पाटिल काका कमरे के अंदर झांक कर देखते हैं तो वे दोनों डर जाते हैं। तीनों लोग हॉल में ही खड़े रहते हैं कि मेन डोर के बाहर से एक आवाज आती है। बेटी आशा, बेटी आशा, जल्दी आओ, अमावस्या की घड़ी समाप्त होने वाली है, जल्दी आओ। ए देवा, गणपति बाप्पा, हमारी मदद करो। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विद्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंटी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव जय देव, रत्न खचित परा तुझ गोरी कुमरा, चंदनाची ऊटी कुंकू केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभी तो बरा, ऋण झुणती नु पूरे चरणी घागरिया। जय देव जय देव। तू डर मत बेटी आशा, मैं अंदर आ रही हूँ। कहाँ छुपा कर रखा है आशा को? हाँ, आज सारे लोगों को मैं मार दूंगी। बापा वाचवा माला। सभी लोग आनंद से रहो। पाटील, मी नेहमी माझ्या भक्तांच्या पाठी उभा राहतो। घबराने की कोई बात नहीं है योगेश, तुम्हारी पत्नी अब बिल्कुल ठीक है। सारे लोग सदा आनंद से रहो। तथास्तु। आशा आशा, देखा तुमने, तुम ठीक हो। पर मुझे क्या हुआ था योगेश? जो हो गया वो हो गया। अब बापा के आगमन की तैयारी कल से ही करनी है। 2 दिन बाद गणेशोत्सव भी तो है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।